बड़े भाव से गाइएगा। ये प्रभु हमारे अनुष्ठान के विघ्नों को समाप्त करें, कृपा करें। बाकी भगवान शिव के ही हाथ में है और जो हमारे आपके लिए हितकर होगा वही भगवान शिव करेंगे। अगर हितकर होगा कि जल वृष्टि हो तो जल वृष्टि होगी, क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। बड़े भाव से आइए गाएंगे सभी लोग। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम Thank you.
सभी लोगों को विदित है कि कथा का प्रारंभिकरण भगवान शिव के नाम स्मरण से ही किया जाता है और नाम स्मरण से ही, नाम संकीर्तन से ही कथा का विश्राम किया जाता है। तो आइए बेहतर चित होकर के भगवान शिव के पंचाक्षर का जप करेंगे जो कलयुग में मात्र
महाराज से कथा के बड़े रसिकता है प्रभु चंद सुनने के रसिया। और हनुमान जी ने यही कहा था जब प्रभु राम लंका से विजयनाथ नगर के वापस आए थे तो सबको शास्त्री की लेकर के जाने लगे। हनुमान जी से बोले आप भी चलो। हनुमान जी ने यही कथा बंद हो गई। महाराज धरती पर तीर्थ तो रहेंगे, मंदिर तो रहेंगे और महाराज सब कुछ रहेंगे, धाम भी रहेगा, लेकिन हनुमान जी महाराज पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे। कथा बंद हुई। हनुमान जी महाराज उसी दिन इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे। तो भैया मुख्य श्रोता तो हमारे हनुमान जी है, अब उनकी सुनने की इच्छा होगी तो सुन लेंगे और नहीं सुनने की इच्छा होगी तो कोई बात नहीं, जितना सुनना चाहेंगे उतना हम सुनाएंगे। प्रशंसा हम सभी लोगों ने सुना और उसके बाद सती का देह ही आ गया। हम सभी लोगों ने अपने पिता के घर पर ही अपने देह का त्याग कर तथा आप लोगों ने कल सुनिए वर्णित है शास्त्रों में क्या वर्णित है तो क्या बताओ। तीन कन्याओं में से एक का नाम महाराज मैना है, एक का नाम धन्या है, एक का नाम कलावती है। पता चल गया किसकी पुत्री है मैना, किसकी पुत्री से बताओ एक बार। अभी बताया है जस्ट आप लोगों को बोल गए। दक्ष की बेटी है स्वधा और स्वधा पितरों को ब्याही गई है। इसी पितर के और स्वधा के द्वारा तीन कन्याएं पैदा हुई हैं, मैना कन्या, मैना धन्या कलावती। Thank you.
उनके बच्चे जब कभी यहाँ पर बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, भगवान के जो है गुणानुवाद करेंगे, तो वो स्मरण करेंगे कि हमारे दादा परदादा जो रहे होंगे, मतलब आप, तो आप लोगों के सहयोग से ही इस पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, वैसे जब मंदिर बनता है या कोई शिवलिंग या फिर किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो करने को तो एक आदमी भी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकता है या एक आदमी कोई भी मंदिर बनवा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब कोई मंदिर बनता है, भले वो एक व्यक्ति क्यों ना बनवाए, लेकिन गांव में फिर भी उससे थोड़ा थोड़ा धन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर हो गया या किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो कोई अकेला व्यक्ति विशेष कराने का कोई तात्पर्य या कोई विधान नहीं बनता। इस पावन कार्यक्रम में थोड़ा थोड़ा हाथ सभी का लगना चाहिए। तो आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं, जो लोग तन से, मन से और धन से इस पावन कार्य में सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि आज चार दिन बीत गया है और 9 तारीख को भंडारा हो रहा है, तो हमारे और आपके पास केवल 5 दिन ही शेष है। मैं 5 दिन नहीं कहूंगा, 4 दिन ही शेष है। तो आज हमारे आपके पास 4 दिन शेष हैं और 4 दिन के अंदर ही हमको संपूर्ण भंडारे की व्यवस्था देख रही है। उसके साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा में भी अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा में धन की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारी कमेटी के लोग जान रहे होंगे जब भगवान के वास होते हैं तो उन वासों में जो भी सामग्री चाहिए होती है वो अधिक मात्रा में चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, कमाना और खाना ये तो जिंदगी भर लगा ही रहता है, न जाने कितने झूठ बोलते हैं, कितने सच बोलते हैं और न जाने कहाँ कहाँ से हमारे आपके पास धन अर्जन होता है। लेकिन आज हमको आपको ये 9 दिन जो मिले हैं, यही अवसर मिला है कि हम लोग अपने इस लोग को और उस लोग को दोनों लोग सुधार लें, और उसको सुधारने का एक ही माध्यम है, वो माध्यम है कि जो भी अपने तन से, मन से और धन से, क्योंकि आवश्यकता तीनों की है, तीनों तरीके से हम और आप इस पावन भंडारे में, इस पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में और इस पावन कथा में अधिक से अधिक बढ़ करके सहयोग करें। चाहे वो सहयोग भंडारे की सामग्री के रूप में हो, चाहे वह सहयोग धन के रूप में हो और चाहे वह सहयोग सेवा के रूप में हो, तीनों प्रकार का सहयोग अगर हमारे द्वारा थोड़ा थोड़ा भी होता ना, कहते हैं ना कि अपन बचपन में जब पढ़ते थे किताबों में कि एक कौवे को जब प्यास लगी और मटके में पानी बहुत नीचे थे तो वो छोटे छोटे कंकर ला करके उस पानी में डालता था तो पानी ऊपर आ जाता था, तो वही स्थिति हमारी आपकी भी है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगा देंगे तो ये कार्यक्रम और भव्य और दिव्य हो जाएगा। और कहने को हम आगे अपने बच्चों के लिए ये छोड़ करके जाएंगे कि ये मंदिर हम लोगों के द्वारा बनवाया गया था, जिस पर बैठ करके आज आप लोग भजन पूजन और अर्चन कर रहे हैं। आज ये समझ लो हमको आपको ये विशेष अवसर प्राप्त है कि इस 9 दिन में जो कार्यक्रम ये चल रहा है इसको और दिव्य और भव्य बनाया जाए। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, जो लोग भंडारे में सामग्री देना चाहते हैं वो आज से ही, बल्कि आज से कल से ही आप लोग हमारे विकास जी से मिलकर के आप अपनी सामग्री देकर के अपना नाम लिखा सकते हैं भंडारे में। उसके अतिरिक्त अगर आप धन से भी जो कुछ देना चाहें तो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब व्यवस्था की गई है, इतने दूर दराज से हमारे पितृ देवता आए हैं और भगवान श्याम सदाशिव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल ही रहा है, तो इन सब में भी धन की आवश्यकता होती है। तो जो भी भक्त बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहे, और ये कोई आपके ऊपर बाध्यता भी नहीं है, ना कमेटी का कोई सदस्य ये कहता है कि आपको इतना ही करना, जितना भगवान श्याम सदाशिव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है वो तो ठाकुर जी जानते हैं और आप जानते हैं। तो जितना ठाकुर जी की कृपा से, भगवान श्याम सदाशिव की कृपा से आप लोगों को प्राप्त है, भगवान शंकर की सेवा में हम और आप मिल करके उपस्थित हों, उनके चरणों में समर्पित करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान कहते हैं कि तू एक कदम मेरी ओर बढ़ा मैं तेरे लिए 100 कदम आगे ना आऊं तो कहूंगा। तो अगर हम थोड़ा सा भगवान के लिए आगे करते हैं तो भगवान उसका करोड़ गुना करके हमको आपको वापस करते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि शेष 4 दिन हमारे पास और शेष हैं, जो भी लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर के हिस्सा लेना चाहते हैं वो आकर के हमारे कमेटी के सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा जो देना चाहते हैं।
इसी क्रम में हमारे बीच में कुछ सम्मानित सदस्य भी आए हुए हैं, जिनको मैं ऊपर बुलाना चाहूंगा कि आप लोग का जब नाम बोले तो कृपया ऊपर आएंगे। ऊपर आकर के श्री शिव महापुराण को प्रणाम करेंगे और परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रमेश दुबे जी एवं श्री अवधेश शुक्ला जी एडवोकेट प्रयागराज हाईकोर्ट, आपसे निवेदन है कृपया ऊपर आए, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें, साथ में शिव महापुराण को प्रणाम निवेदित करें। श्री गुंजन पांडे जी, ब्रजलाल वर्मा जी, श्री राम सुख वर्मा जी, आपसे भी आग्रह है कृपया ऊपर आकर के श्री शिव महापुराण को प्रणाम निवेदित करें। श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री देवीलाल प्रजापति जी, श्री शेषमणि दुबे जी, श्री हरिशंकर मिश्रा जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री मेवालाल शर्मा जी, श्री रविंद्र सरोज जी यूपीपी एवं श्री सुरेंद्र सरोज जी, आप दोनों से ही आग्रह है कि कृपया ऊपर आकर के श्री शिव महापुराण को प्रणाम निवेदन करें, साथ ही महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आशीष मिश्रा जी, लल्लू मिश्रा जी, इंजीनियर दीपक मिश्रा जी, हिमांशु सरोज जी एवं रवि सरोज जी, ऋतुराज सरोज जी, अतुल सरोज जी, शुभम यादव जी, सत्येंद्र मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, युवराज सिंह जी एवं शम्मी सिंह जी, आप सभी भक्तों से आग्रह है कृपया ऊपर आकर के श्री शिव महापुराण को प्रणाम निवेदन करें, साथ ही महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार मैं सभी का पुनः नाम बोल दूं, श्री रमेश दुबे जी, श्री अवधेश शुक्ला जी एडवोकेट प्रयागराज हाईकोर्ट, गुंजन पांडे जी, ब्रजलाल वर्मा जी, श्री राम सुख वर्मा जी, श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री देवीलाल प्रजापति जी, श्री शेषमणि दुबे जी, श्री हरिशंकर मिश्रा जी, श्री सुनील मिश्रा जी, श्री मेवालाल शर्मा जी, श्री रविन्द्र सरोज यूपीपी, सुरेंद्र सरोज जी, श्री आशीष मिश्रा जी, श्री लल्लू मिश्रा जी, श्री इंजीनियर दीपक मिश्रा जी, श्री हिमांशु सरोज जी एवं श्री रवि सरोज जी, ऋतुराज सरोज जी, अतुल सरोज जी, शुभम यादव जी, सतेंद्र मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, युवराज सिंह जी, शम्मी जी, वीरेंद्र शुक्ला जी, आपसे भी निवेदन है ऊपर आकर के श्री शिव महापुराण को प्रणाम निवेदित करें एवं परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में जो आज की सुबह का जो प्रसाद है, क्योंकि देखिए दूर दराज से हमारे संत, हमारे ब्राह्मण देवता आए हुए हैं एवं यहाँ पर प्रतिदिन बहुत से लोगों का भंडारा इत्यादि भी चल रहा है, तो सुबह की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो कुंदन सिंह बहन जी की तरफ से एक बार इनके लिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। सत्यम मिश्रा पत्रकार दैनिक जागरण, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। संजू दुबे जी हवेलिया से एवं मनीष मिश्रा जी इसी का पूर्वज, इन सभी लोगों की तरफ से सुबह की प्रसाद की व्यवस्था भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। और शाम को जो प्रसाद की व्यवस्था है, अभी ठाकुर जी की कथा में जो प्रसाद की व्यवस्था रही है, मुकेश भोजी जी की तरफ से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रखंड मंत्री, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। और रात का जो समस्त ब्राह्मणों का एवं संतों का एवं जो भी आगंतुक है उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो इंजीनियर कृष्ण कुमार शुक्ला जी की तरफ से है, एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। और जैसा कि मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि इस पावन कथा में हमको और आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, भगवान की कृपा से जो आपको प्राप्त है वही लेकर के आप हमारे कमेटी के सदस्य से मिले, ये हमको आपको मैं फिर कहूंगा अवसर मिला है कि हमारा धन भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा में लगे, भगवान शिव की मंदिर में लगे, तो इससे बड़े हमारे और आपके लिए कोई सार्थकता नहीं हो सकती। इसी क्रम में हमारे बीच में श्री अवनीश तिवारी जी लभुआ सुल्तानपुर से है, इन्होंने 251 रुपए की सहयोग राशि दी है, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री गुंजन सिंह जी धनमोर से है, 101 रुपए की सहयोग राशि, एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। देखो आप लोगों से निवेदन है, ये वो भक्त है जो भगवान श्याम सदाशिव की कृपा से अपने धन को, अपने मन को और अपने तन को, तीनों को शुद्ध कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर हम लोग कुछ न कर सके तो इनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। श्री अखिलेश शुक्ला जी, रिंकू सरायदली, 521 रुपए की सहयोग राशि, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। आशीष यादव जी मछली शहर से 101 रुपए, नीलेश मिश्रा जी दुर्गागंज भदोही से 251 रुपए, नंद किशोर दुबे जी पूरे केवल से 1100 रुपए, नंदू अजय शुक्ला जी कहडोर से 501 रुपए,
बिंदु आशीष शुक्ला जी मिश्रौली से 551 रुपए, विकास शुक्ला जी के बड़े भाई संदीप सन्यासी उप निरीक्षक थाना पाली जिला हरदोई, इनका गांव श्रीकांत का पुरवा थाना जेठवारा प्रतापगढ़, इन्होंने भंडारे में 2100 रुपए की सहयोग राशि दी है। एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। ये वर्तमान में जिला हरदोई में उप निरीक्षक पद पे है। ठाकुर जी इनको ऐसे ही कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखे। प्रदीप कुमार द्विवेदी जी रामपुर खास से 501 रुपए की सहयोग राशि, इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। नितिन चौबे जी सीतामढ़ी भदोही से 200 रुपए की सहयोग राशि। धीरज दुबे जी उत्तर प्रदेश पुलिस वारी गांव निवादा जौनपुर से है, 251 रुपए की सहयोग राशि दी है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। राकेश मौर्या जी फतेहपुर से है, 151 रुपए की सहयोग राशि, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करें। राजन मिश्रा जी एडवोकेट पृथ्वीगंज से 100 रुपए, एक बार इनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। जगेश्वरगंज ग्रामीण बैंक मैनेजर 200 रुपए, बबन शुक्ला सरायदली 501 रुपए, अक्षयलाल वर्मा सगतपुर 500 रुपए, देवेंद्र पांडे जी सुखपाल नगर 101 रुपए, कुश मिश्रा जी अमेठी 101 रुपए, धीरज मिश्रा जी की माता जी भानुमती पूरे पीताम्बर 501 रुपए, पालन के लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री रमेश दुबे जी पूरे केवल 1 क्विंटल 11 किलो आटा और 21 किलो चावल और 1100 रुपए इन्होंने भंडारे में लिया है, पालन के लिए भी आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं सभी भक्तों से पुनः निवेदन करूंगा कि 4 दिन हमारे आपके पास शेष है, जो भी भी भंडारे में चाहे वो गेहूं की सेवा हो, आटे की सेवा हो, चीनी की सेवा हो, अन्यत्र जो भी आप हमारे कमेटी के सदस्य संपर्क करके जो भी सामग्री आप देना चाहें, 4 दिन शेष है, जल्दी से जल्दी हम और आप सामग्री ला करके यहाँ पे दें, क्योंकि फिर सारी व्यवस्थाएं होनी है। और जो भी व्यक्ति इस पावन कथा में एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में धन या तन से मन से जो भी सेवा करना चाहे, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग करें। और जो ये पावन कथा बैठ करके हम और आप श्रवण कर रहे हैं, इस पावन कथा को हम लोग घर जाकर के भी बैठ करके भाव से यूट्यूब के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी मोबाइल हो वो लोग मोबाइल निकाल करके यूट्यूब खोल लें, और यूट्यूब खोल करके उसमें आपको आचार्य संत आचार्य शीतला प्रसाद डाल देते हैं। कौन कौन मोबाइल लाया हाथ ऊपर करो। अच्छा इतने लोग, बाकी नहीं लाए चिंता ना करो, मोबाइल लेंगे नहीं आपका। जो लोग मोबाइल लाए हैं अपने मोबाइल में, देखो यहाँ तो 5G की सुविधा हो गई है, तो अपने मोबाइल में आप लोग YouTube खोलें, और YouTube खोलने के बाद में आपको आचार्य शीतला प्रसाद डाल देना है। जैसे ही आचार्य शीतला प्रसाद आप डालेंगे तुरंत ही चैनल ऊपर खुल के आ जाएगा, और जैसे ही चैनल आप खोलेंगे तो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। बगल में घंटी बनी होगी, उस घंटी को दबा देना है। इससे होगा क्या कि भविष्य में जब भी महाराज श्री की जो कथाएं होंगी वो कथा का नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाएगा। और जो ये कथा हम और आप बैठ करके सुन रहे हैं, अगर आपका मन करे कि भाई हम घर जाकर के भी ये कथा सुने और दूसरों को सुनाए, तो आप घर जाकर के भी इस कथा को सुन सकते हैं, और साथ में घर बैठे बैठे धर्म का काम कर सकते हैं। पूछिए कैसे। अगर इस कथा को आप 5 लोगों को या 10 लोगों को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं ये धर्म का प्रचार एवं प्रसार होगा। तो घर पे बैठे बैठे आप 10-15 आदमियों को भेज करके भी धर्म का काम कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, कल सभी लोग समय का विशेष ध्यान देते हुए ठीक 3 बजे आ जाएंगे। समय भी अब अपनी ओर इशारा कर रहा है। जो लोग एक बार पुनः निवेदन करेंगे, सवेरे 8 बजे से पूजा होती है। जो भी भक्त भगवान की पूजन में आना चाहे वो भक्त कल ठीक 8 बजे से भगवान की पूजा में आएंगे, और कल भगवान श्याम सदाशिव का घृता दिवास होगा। यानी कि अभी जो यहाँ पर वास होते हैं, पहले दिन जल में वास हुआ, पहले दिन भगवान को जल में रखा गया, आज जो वास था भगवान का वो फल में रखा गया। तो सभी के यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो फल की व्यवस्था हुई उसमें भगवान को वास किया गया। कल जो है घृता दिवास है, तो घृता दिवास में कल भगवान की जो मूर्ति है उस संपूर्ण मूर्ति को घी में रखा जाएगा। तो जो भी भगवत वृंद अपने घर से घी की सेवा देना चाहे, वो घी कोई इधर उधर के काम के लिए नहीं बोला जा रहा है,
कल भगवान शंकर का जो मूर्तियां आई हैं वो जेल से चल करके उनका ग्रत में वास होगा, तो जो भी भक्त ग्रत अपने यहाँ से ला करके भगवान शंकर को वास कराना चाहे वो कल ठीक 9 बजे आप लोग ग्रत लेकर के आए और भगवान शंकर को यहाँ पर वास होगा, उसी वास में हम देख करके हम और आप आनंद लेंगे। अच्छा अच्छा धन्यवाद के पास में है और समय बहुत जल्दी तो हो चुका है, आइए आरती की तरफ चले। उससे पहले देखिए आप लोगों का बड़ा बड़ा भाग्य क्या है कि कितनी दूर दूर से लोग कथा सुनने आ रहे हैं, जाने कहां कहां से व्यक्ति चला रहा है, खींचा रहा है, जिस स्थान की महिमा को जानता है। इसी बीच में हमारे बहुत ही अनन्य प्रेमी जो बादशाहपुर जौनपुर से चल करके आए हैं, आशीष कुमार मिश्रा का हमारे बीच में पदार्पण हुआ है, जो हमारे बहुत ही हृदय प्रिय है। आशीष मिश्रा जी बहुत ही हमारे परम प्रिय हैं, बहुत से आयोजनों को इन्होंने अपने सानिध्य में किया और कराया। एक बार जोरदार तालियों से इनका पूरा स्वागत करें, भगवान खुद खुद कृपा करते रहे और देखिए इनका प्रेम है जौनपुर से यहाँ तक कथा सुनने के लिए आ गया। और बहुत धन्यवाद, आइए आगे आगे चलते हैं। यदा कालो भवानी जा पुष्पाण निर्मयादना